अलावा इसमें फल भी लगेंगे। उसके अलावा चिड़िया पक्षी या पक्षी कहिए, इस पर घोंसला बनाती है रहने के लिए। और तो सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है, सारी चीज़ों दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस वगैरह जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। पेड़ लगाना, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं एक पेड़ लगाता हूँ, और ये काम मैं पिछले 2017 से मैंने शुरू किया था और ये सिलसिला जारी है। तो नेचर, पर्यावरण, स्वास्थ्य, देश, प्रोग्रेस, इन सब चीज़ें जो है एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम लोग जो आज सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो आप सोचें कि जब हमने जो पेड़ नहीं लगाया फिर भी हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हमारे पूर्वजों ने लगाया होगा, जाहिर सी बात है। तो शायद यहाँ पूर्वजों ने लगाया होगा तो क्या होगा, तो हम जब लगाएंगे तो इसका जो रिटर्न मिलेगा किसको मिलेगा, इसका रिटर्न मिलेगा जो हमारे जो कमिंग जनरेशन होंगे उसको मिलेगा। शायद वो पेड़ लाइए, तो उसका उसका गिट्टी को तोड़ के डालिए, तोड़ के हमको क्या करना है, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, इस पे मान लीजिए ऑक्सीजन मिलेगा वो अलग, उसके अलावा इसमें फल भी लगेंगे, उसके अलावा चिड़िया पक्षी या पक्षी कहिए इस पे घोंसला बनाती है रहने के लिए। और तो सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है, सारी चीज़ों से हमारा ही फ़ायदा है। चिड़िया मान लीजिए इसमें के जो फल लगेंगे उसको खाएगी, वो दुआ देगी, तो वो सब चीज़ें जो इंसान को लगता है, इंसान को उसका फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, सब चीज़ें आपको देखने में नज़र नहीं आएगी। हाँ, एक समय ऐसा आता है जो कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने कहा कि जो भी पेड़ है तो वो पेड़ हम लोग जो भी देखते हैं तो हमारे पूर्वजों ने लगाया 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो अब हम लगाएंगे तो क्या होगा। पेड़ क्योंकि रहने वाली है 50 साल, 100 साल तक जनरली इसकी लाइफ होती है, उससे भी ऊपर होती है, इंसान की ज़िंदगी होती है 50 से 60 साल, तो इन सब चीज़ों को फ़ायदा मिलता है। शायद थोड़ा इधर से डालिएगा बेटी, कस के थोड़ा सा इस सब डालिए, तो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, पेड़ में ज़िंदगी है, जान है। और आज सुबह से ही लोगों का बधाई देने का सिलसिला जारी है, बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, जिसमें मेरे पास कुछ नाम है, मैं नाम भी लूँगा। देखिए बकरी अभी भी चाह रही है कि इसको खाना चाह रही है, लेकिन इसको मौका नहीं दिया जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बाबू, इसको थोड़ा साइड कीजिए, तो इसके ऊपर जो है वो हम डाल देंगे जो कि कवर प्रोटेक्ट करके इसको रखेगा, क्योंकि गांव समाज है तो बकरी भी जानवर भी रहेगी। तो जो बधाई देने वाले लोग हैं इनमें मैं आपका आपके सामने नाम लेना चाहता हूँ, शशिरंजन जी हैं जिनका उस मॉर्निंग में फ़ोन आया, बधाई दिया उन्होंने, इसके लिए उनको बहुत बहुत आभार उनका मैं व्यक्त करता हूँ, प्लस मैसेज वगैरह भी। उसके बाद है मोबिनुल जिन्होंने मैसेज किया, बधाई दिया। विनोद कुमार जी हैं, रजनीश कुमार भारद्वाज है, अमित भाई हैं, पंकज कुमार शर्मा जी हैं, रंजीत कुमार शर्मा जी हैं, शुभम वर्मा जी हैं, अब्दुल मतीन साहब हैं। इसके बाद है जयंता दास जी हैं, राम गोपाल सिंह जी हैं, फयाज सिद्दीकी साहब हैं, रवि निषाद भारद्वाज राजपूत जी हैं, सुधांशु तिवारी जी हैं,
इजाज़ नज़र साहब हैं, जवाहरलाल सिंह हैं, मोहम्मद वसीम साहब हैं, हीरो वाधवानी जी हैं, इरफान आलम साहब हैं, जमील अहमद साहब हैं, बसंत साहू साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बधाई दिया, मुबारकबाद दिया। इसके लिए मैं तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे इस दिन को बहुत अच्छा जो है, खूबसूरत जो है बनाया आप लोगों ने। इसके लिए आप सबों का आभार। और हर एक पल, हर एक दिन का एक अलग अपना इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है, उसको हमको इन्जॉय करना चाहिए। और हर एक पल से हमको जो है ना, मतलब कुछ सीखना है और कुछ सिखाने वाली बात होनी चाहिए। तो मैं जो पेड़ लगा रहा हूँ, ये पहला मेरा एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं पेड़ लगाता हुआ नज़र आ रहा हूँ। इससे पहले जो भी मेरा जन्मदिन वगैरह माना, उसका मैंने वीडियोस वगैरह नहीं शूट किया था। तो मुझे ज़रूरत क्या आन पड़ी कि वीडियो बनाने की, तो ज़रूरत ये पड़ी कि क्यों ना हम लोगों को एक मैसेज दें कि आप भी कुछ ऐसा करें। हमारे देश की आबादी है 125 करोड़। सब लोग अगर अपने जन्मदिन पर कम से कम एक एक पेड़ लगाएं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब मेरा जो प्लानिंग है, मैंने क्या सोचा हुआ, जो भी मेरा पेड़ लगा है, अब कुछ थोड़ा फ्री होता हूँ तो क्या करूँगा, एक वो जो पत्थर का जो नेम प्लेट होता है, हर एक पेड़ के नीचे में मैं पत्थर का नेम प्लेट लगा दूँगा और उस पर डेट भी लिख दूँगा और कौन से जन्मदिन पर मैंने इसको लगाया वो भी कर दूँगा। तो एक मज़ा आएगा जब कभी भी, अब जब हम बूढ़े हो जाएंगे या मरने के कगार पर पहुँच जाएंगे, या फिर मैं नहीं भी रहूँगा, तो कम से कम एक नेम प्लेट वहाँ पर रहेगा कि भाई मैंने पेड़ लगाया, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। और नाम तो खैर वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन प्लस आपका पेड़ भी वो जो है ज़िंदा रहेगा। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट है, बहुत लाभ है। एक इसको क्या किया जाए, मतलब एक कोई कर्ची वगैरह, कोई फट्टी वगैरह ले आओ ना, एक राशिद कोई फट्टी लगाओ इसको और थोड़ा फट्टी से सपोर्ट कर दो, इधर से एक फट्टी खोज दो, इधर से फट्टी खोज दो, बड़ा बड़ा लाओ, बड़ा फट्टी लाओ बउआ, इधर आओ, उसको भी लेके आओ। हाँ, ये सब हमारे बच्चे हैं जो कि कोऑपरेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। राशिद, कोई बड़ा सा फट्टी है, देखो इसको ऊपर से ढकने की प्लानिंग है हमारी। इसको ऊपर से अगर हम डाल देंगे तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि इसको खस्सी बकरी वगैरह नहीं खाएगी। अगर बीच में डाल दोगे तो चलेगा क्या ना राश वाहिद? इसको प्लास्टिक वहाँ से हटा दो, जड़ को अच्छा से दाब दो बुआ। चला पन्नीक वगैरह जो बीच में है उसको हटाओ वहाँ से, पन्नीक वगैरह जो है, पॉलीथीन वगैरह है, उसको हटाओ, साइड कर दो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ, बच्चों के साथ काम करने के कई फ़ायदे हैं। मान लीजिए बच्चे हैं, ये देख रहे हैं कि जन्मदिन पर मतलब केक काटने के अलावा भी और भी कुछ होता है, तो और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि बच्चे भी कल होकर कुछ ऐसा ही करेंगे या कुछ ऐसा ही काम को अंजाम देंगे। तो ये सब काम जो है बच्चों को लेकर चलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चलिए गुड, इसको बांध भी दिया जाए क्या कि उसकी ज़रूरत नहीं? नहीं, ज़रूरत नहीं। चलिए पानी डालिए तो बुआ। बच्चों के साथ मिलके काम करने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे ये होंगे कल हो के ये भी इस तरह का काम को अंजाम देंगे, मतलब 4-5 बच्चे यहाँ पे हैं तो कम से कम 4-5 ये कल का भविष्य है। तो मतलब इन लोगों का भी जब जन्मदिन होगा तो इन लोगों को भी पेड़ लगाना है, कम से कम कुछ तो सीख रहा है। और पानी जम के दे दीजिए पानी। चलिए बहुत अच्छी बात है।